नवादा को रिप्रेजेंट करके आया हूँ, ये नवादा के लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए भी खासकर। बताता है कि वो किस तरीके के इंसान है, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ खेलकर बैठकर पैसे जीतकर नवादा को रिप्रेजेंट करके, काफ़ी अच्छा लगा सर। आपका प्रिपरेशन, आपकी निजी जिंदगी, आपके पर्सनल लाइफ, किसी से भी जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं, उसको आपको जवाब देना रहता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मगी आवाज़, मैं मंटू सिंह। बता देना चाहता हूँ कि नवादा के आज ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि कौन बनेगा करोड़पति, माने अमिताभ बच्चन जी से मिलकर आए हैं। आइए उनसे मिलाते हैं और कुछ बातें करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम रजत शर्मा हुआ, मैं नवादा का ही रहने वाला हूँ जी। आपका मन में ख्याल कैसे आया कि हम उस मुकाम तक कैसे पहुँचे? सर ख्याल नहीं आया, ये पिछले चार पाँच सालों से का प्रयत्न है और प्रयास है जो मैं आज वहाँ पहुँचा हूँ और नवादा को रिप्रेजेंट करके आया हूँ, ये नवादा के लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए भी खासकर। जी जी, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि? बहुत अच्छी फीलिंग आई सर, इतने बड़े लोगों के सामने बैठना, इतने अच्छे सेट पर जाना, मैंने तो पहली बार कैमरा फेस किया था, पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा केबीसी का। केबीसी की टीम भी काफ़ी फ्रेंडली और बच्चन साहब के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, उनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं, प्लस उनका व्यक्तित्व खुद में एक बताता है कि वो किस तरीके के इंसान है, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ खेलकर बैठकर पैसे जीतकर नवादा को रिप्रेजेंट करके, काफ़ी अच्छा लगा सर। आप ये बता सकते हैं वहाँ पे किन किन क्वेश्चन का आपको जवाब देने वक्त आपको कैसा लगा कि हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे पहले? सर देखिए, क्वेश्चन तो एक केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, कोई सिलेबस नहीं होता इस क्वेश्चंस में। तो आपका प्रिपरेशन, आपकी निजी ज़िंदगी, आपके पर्सनल लाइफ, किसी से भी जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं, उसको आपको जवाब देना रहता है। आपको जवाब देने के लिए, जैसा कि सारे लोग जानते हैं जो केबीसी देखते हैं और जो नहीं देखते हैं वो भी जानते हैं कि लाइफलाइंस दी जाती हैं, तो कुछ लाइफलाइंस के मदद से भी आप आंसर दे देते हैं। और प्रक्रिया जो है वो सालों से वही चलती आई और आज भी केबीसी का जो प्लेटफॉर्म, जो गेम प्लेटफॉर्म है, जो गेम प्रोसेस है, वो जो सेम है, जो आज तक वही है। तो आपको लाइफलाइन कितने बार दिया गया था उसके? सर तो लाइफलाइन तीन रहती हैं जी जी, तीन लाइफलाइन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे 50-50 होता है, ऑडियंस पोल होता है, वीडियो कॉल फ्रेंड होता है, तो वो लाइफलाइंस कंटेस्टेंट के लिए होती है, अगर वो जवाब देने में असमर्थ हो रहे हैं तो उस लाइफलाइन का यूज़ करके वो आंसर तक पहुँच सकते हैं, बहुत लोग नहीं भी पहुँच पाते हैं। अच्छा, उसका कोई टाइमिंग भी होता होगा लाइफलाइन का? नहीं सर, ऐसा कोई लाइफलाइन का टाइम नहीं होता है, जो लोग देखते आ रहे हैं उनको पता है कि लाइफलाइन एक्चुअली में कहाँ पे यूज़ करनी है। मेरे ख्याल से आप केबीसी के दर्शक नहीं हो इसलिए आपको नहीं एग्जैक्ट पता है तो लाइफलाइन का क्या यूज़ होता है, लेकिन दर्शक जो हमें देख रहे होंगे जो केबीसी से जुड़े हुए हैं सालों से, वो ज़रूर जान रहे होंगे कि लाइफलाइन का कहाँ यूज़ होता है। अच्छा, तो लाइफलाइन में टाइमिंग का कोई वैल्यू नहीं रहता? टाइमिंग आंसर्स में वैल्यू करते हैं, अगर आप स्टेज बढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन पे एक टाइमिंग रहती है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको जवाब देना होता है और उस जवाब के पे जो आपको राशि मिलती है वो प्राप्त होती है। तो ये बता सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे सर, और वो आपको बाकी जो भी डिटेल है वो 14 तारीख के बाद सबके सामने रहेगा।